सो गाइस आज हम बताने वाले कुछ स्टेप का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सार एप्लीकेशन सिखाने वाले आप सबको। सो अगर कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तो अंत तक देखने के बाद ही आप सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर पसंद है वीडियो को कर देने का लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना चैनल में वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। सो फ्रेंड्स चलो वीडियो को शूट कर लेते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें पहले पिक्सार एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। सो गाइस यहां पर हम पिक्सार एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हो, देन प्लस वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है और एडिट फोटो पर हमें टैप कर देना है, ठीक है। तो पहले स्टेप पे हमें क्या करना है, पहले स्टेप पे हमें हमारा जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। सो इस वाला बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप जाकर से डाउनलोड कर लेना। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जाना है ऐड फोटो पर, ओके। सो यहाँ पर मैं ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर मॉडल का जो पिक्चर है उसको मैं ऐड कर लेती हूँ जल्दी से। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं बैकग्राउंड को पहले से रिमूव कर दिया, तो आप सब अगर चाहते हो कैसे कट आउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँ वीडियो का, वहाँ पर जाकर आप सब देख सकते हो, ठीक है। तो आप हमें क्या करना है, आप हमें जाना है ऐड फोटो पर, ठीक है। तो ऐड फोटो पर जाने के बाद पहले जो बैकग्राउंड में ऐड किया था उसको मैं फिर से मैं ऐड कर लिया हूँ। सो आप हमें क्या करना है, आप हमें क्रॉप पर जाना है, ठीक है। तो क्रॉप पर आ जाने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली बैकग्राउंड को हमें क्रॉप कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें कुछ इस तरह से क्रॉप कर लिया हूँ, तो आप सब भी कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना, ठीक है, बैकग्राउंड को। तो अभी हमें कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करके सेट कर देना है। तो अभी हमें क्या करना है, एपिक पर जाना है, और एपिक पर जाने के बाद ब्लर वाला ऑप्शन पर हमें टैप कर देना है, और यहाँ पर पहला वाला जो ब्लर इफेक्ट है उसको हमें टैप कर देना है, और ब्लर इफेक्ट को हमें 60 पर रख देना है, ठीक है। तो अभी हमें सिंपली डन कर देना है, और डन कर देने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड पर हमें ये वाला जो ब्लर इफेक्ट था उसको मैं ले आऊँगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो इरेजर वाली आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है, ओके। देन इरेजर ब्रश को हमें चूज कर लेना है, और इरेजर ब्रश को चूज़ कर देने के बाद यहाँ पर हमें साइज को थोड़ा सा इंक्रीज और हार्डनेस को फुल कम कर लेना है, और ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। तो आप सब भी कुछ इस तरह से ही कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ फुल। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ इस तरह से इरेज करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ फुल। तो गाइस आप सब भी कुछ इस तरह से इरेज कर लेना। तो कुछ इस तरह से कर देने के बाद ऊपर जो डन आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है, और इसका जो ऑपेसिटी है ऑपेसिटी को कम कर लेना थोड़ा सा। तो कम कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली यहाँ पर डन कर देने के बाद अब हमें सिंपली ऐड फोटो पर जाना है, और ऐड फोटो पर जाने के बाद कुछ पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। और इन सभी पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर से डाउनलोड कर लेना। तो पहले वाला जो स्मोक पीएनजी है, स्मोक पीएनजी को नीचे के साइड पर हमें सेट कर देना है, और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है ब्लेंडिंग मोड को हमें स्क्रीन कर देना, ओके। तो कुछ इस तरह से आप सब भी कर लेना। देन अभी हमें ये जो लाइट वाला इफेक्ट है उस पर हमें टैप कर देना है, और इसको हमें कुछ इस तरह से बड़ा कर देने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है इसको भी हमें स्क्रीन कर देना है। देन अभी हमें लेफ्ट साइड पर जो ये वाला आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना, और इसे हमें मूव डाउन कर लेना है। सो ये वाला जो पीएनजी था वो पीछे हट जाएगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हो इस पिक्चर हमारा रियलिस्टिक लग रहा है। तो कुछ इस तरह से कर देने के बाद अभी हमें डन कर देना है सिंपली। सो सिंपली डन कर देने के बाद अभी हमें ऐड फोटो पर फिर से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हमें पीएनजी को डाउनलोड कर लेना कुछ। सो यहाँ पर देख सकते हो मैं पीएनजी को ऐड कर लिया हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, पहले वाला जो ये जो पीएनजी है इसको हमें ऊपर की साइड पर सेट कर देना है। देन सेकेंड वाला जो यहाँ पर वाइट पीएनजी है इसको भी हमें कुछ इस तरह से सेट कर देना है, और इसका ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लूँगा मैं। देन ये वाला जो हार्ट पीएनजी है मतलब लाभ, तो इसे भी हमें इसका जो ब्लाइंड मोड है इसको भी हमें स्क्रीन कर देना है, और इसको छोटा सा कर लेंगे थोड़ा सा। तो कुछ इस तरह से कर देने के बाद अभी हमें सिंपली डन कर देना है, ठीक है। सो डन कर देने के बाद पिक्चर को अभी सेव कर लेंगे। सो सेव करने के लिए ए वाला आइकन पर हमें टैप कर देना, जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा गैलरी में, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है गैलरी के अंदर। सो गैलरी के अंदर आ जाने के बाद ए वाला जो पिक्चर था उसको मैं कलर एडजस्टमेंट कर लूँगा लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से। तो मैं इस पिक्चर को हमें लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। सो सिंपली ऐड कर देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। तो पहले वाला जो लाइट वाला आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, और यहाँ पर हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम, शैडो को भी थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, वाइट को भी थोड़ा सा कम, और ब्लैक को भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो गाइस। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टेम्परेचर वाले आइकन पर हमें टैप कर देना है ये। तो सिंपली यहाँ पर टेम्प को थोड़ा सा कम कर लेंगे,
और यहाँ पर लास्ट वाला जो सैचुरेशन वाले ऑप्शन है उस पर हमें टैप कर देना है और यहाँ पर सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमें ऊपर मिक्स टूल के अंदर आ जाना है, तो पहले वाला कलर को सैचुरेशन को इंक्रीज और सेकंड वाला कलर पर सैचुरेशन को डिक्रीज और ल्यूमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। इससे हमारा फेस देख सकते गाइस इतना व्हाइट हो रहा है, तो आप सब भी कुछ से कर लेना, ठीक है, अगर फेस अगर डार्क रहेगा। अब हमें येलो कलर पर आ जाएंगे और यहाँ पर सैचुरेशन को इंक्रीज। अभी हमें जाना है ऊपर जो ब्लू कलर पर आ जाएंगे, यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा कम और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज, ठीक है। देन कुछ इस तरह से कर देने के बाद अभी हमें सिंपली सेकंड वाला कलर पर जाएंगे, मतलब लास्ट वाला, इसको भी सैचुरेशन को डिक्रीज और इसे भी सैचुरेशन को डिक्रीज, ठीक है। तो अभी हमें सिंपली डन कर देना है और डन कर देने के बाद ये वाला जो आइकन है आइकन में टैप कर देना और यहाँ पर टेक्स्चर और क्लैरिटी और विग्नेट इफेक्ट को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, ठीक है। देन फिर से हमें ये वाला जो नीचे के ये वाला जो इफेक्ट है उस पर हमें टैप कर देना है और फिर शार्पनिंग नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर कितना ऑसम से लग रहा है, तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना ऑसम से लग रहा है। तो आप सभी कुछ इसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पिक्चर को सेव करने के लिए ऊपर जो शेयर वाला आइकन पर और सेफ्टी डिवाइस पर कैप कर देना, जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा। सो ये वाला जो वीडियो था वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देने के लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के लिए।